हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा। होप सो आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज की जो वीडियो होने वाली है जिसमें मैं रिएक्शन करूंगी, उससे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लो चैनल को एंड इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो अब बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। सो आज की वीडियो होने वाली है एक बयान है पसंद की शादी, जो कि है बाय मौलाना तारिक जमील की तरफ से। एंड मैं इनका फर्स्ट बयान सुनने लगी क्योंकि मैंने बहुत सारे इनके बयान देखे हैं, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम सुनने लगी हूँ। एंड पसंद की शादी एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लग रहा है, तो कुछ इंटरेस्टिंग ही होगा। ये पता नहीं क्या बताएंगे इस वीडियो में, मुझे कोई आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम इनका बयान सुनने जा रही हूँ। एंड सुनते हैं कि वो मतलब क्या कहते हैं, क्योंकि मैंने डॉक्टर जाकिर नायक की वीडियो बनाई है तो उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट आए कि आप प्लीज मौलाना तारिक जमील के बयान पे वीडियोस पे रिएक्शन कीजिए, तो इसलिए मैं रिएक्शन वीडियो लेके आ गई आप सबके लिए। सो चलिए फिर सुनते हैं हम कि वो क्या कहते हैं। लेट्स जब छोटा बच्चा होता है फिर तो माँ बाप पहनाते हैं, जब वो होश में आ जाता है तो वो लिबास अपनी पसंद का लेता है, माँ की पसंद का नहीं लेता, बाप की पसंद का नहीं लेता है। तो लफ्ज़ लिबास में इशारा है कि वालदैन को चाहिए कि शादी में अपनी बेटी और बेटे की पसंद का ख्याल रखें। ये लफ्ज़ लिबास बता रहा है कि जब हम छोटे थे हमें माँ बाप जो पहनाते थे हम पहन लेते थे, जब से हमने शऊर में कदम रखा है तो अब हम अपना लिबास खुद ही खरीदते हैं, चाहे वो नीला हो, पीला हो, काला हो, सफ़ेद हो। मुझे सफ़ेद पसंद है, ज़िंदगी गुजर गई सफ़ेद कुर्ते शलवार में। तो लिबास में इस बात की तरफ इशारा है कि लड़के लड़की की पसंद और नापसंद को देखा जाए। हमारे मुआशरे में बेटियों से तो पूछता ही कोई नहीं और बेटों पर भी मुसल्लत करते हैं, ऐसे ही करनी है, बस हमारा फैसला है। वालदैन से कहता हूँ अल्लाह के वास्ते, ये अल्लाह ने शरीयत ने हक रखा है बच्चे बच्चे का, मैंने कबूल किया। लड़का कहता है, बाप तो नहीं कहता है। तो जो जिसने कहना है मैंने कबूल किया तो वो कबूल तो करे। एक साहब ने आके अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मैंने वो निकाह का पैगाम दिया है, तो आपने फरमाया तो ने वो लड़की को देखा है? कहा जी नहीं। आपने कहा देख लो कि तुमने ज़िंदगी गुजारनी है, देख लो। इतनी गुंजाइश रखी है कि लड़का लड़की बैठें, आपस में बैठें, एक दूसरे को देख लें, बातचीत कर लें, तो उन्होंने ज़िंदगी गुजारनी है। तो हमारा माहौल है कि ये भी हिंदू से आया हुआ मुआशरा है कि वो ज़ात पात में फंसे हुए थे, बस हमने राजपूतों में करना और कहीं नहीं करना, हमने जाटों में करना और कहीं नहीं करना, हमने अरानियों में करना और कहीं नहीं करना, हम ये हैं, हम इसके अलावा और कहीं नहीं करते। ये पूरे हमारे माहौल में एक चीज़ रची हुई है। कितने बच्चे मेरे पास आते हैं, बच्चियों के फ़ोन आते हैं, माँ बाप ज़बरदस्ती शादी कर रहे हैं, मेरा दिल नहीं कर रहा लेकिन वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो अगर ज़बरदस्ती करें तो फिर मान जाओ, मान जाओ, कुर्बानी दे दो, फिर बगावत ना करो, कुर्बानी दे दो। क्योंकि एक इसके ज़िद में इंतहा की बात हो रही वो है कोर्ट मैरिज, के बाज़े बच्चे बच्चियाँ इतने बागी हो जाते हैं कि वो अदालत में जाके अपना निकाह कर लेते हैं। मैं इसको ठीक नहीं समझता कि माँ बाप की दुआएँ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। माँ बाप ज़्यादती करने पर आ गए हैं, मान जाओ, मान जाओ, और अल्लाह से मांगो, अल्लाह पाक उसमें आपके लिए बेहतरी की शक्लें बताएगा। इस कैमरे के ज़रिए से लोग जो सुन रहे हैं, सारा मुल्क तो नहीं सुन रहा है लेकिन जो सुन रहे हैं, ये शादी बच्चे का मामला है, बच्ची का मामला, अल्लाह के वास्ते पूछा करो, पूछे बगैर करना ज़्यादती है। छोटी सी क्लिप ही थी उनकी एंड बहुत मैं अपना जो समझती हूँ
कि उन्होंने कहा है कि अगर आपके साथ जबरदस्ती की जाती है तो आप लोग उस चीज को मान जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज भी थोड़ी मतलब आजकल के तो वैसे भी सारे मॉडर्न हो चुके हैं, सभी की जो सोच समझ है वो मतलब टाइम के साथ साथ सब लोग चेंज हो चुके हैं। मैक्सिमम आज जो है आजकल अपनी पसंद का ही करते हैं और इसमें गलत भी कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि जैसे अगर आपके साथ माँ बाप जबरदस्ती करते हैं तो आप मान जाओ, लेकिन आपका पहला राइट ये है कि अगर आपके साथ वो करते हैं जबरदस्ती तो आपका आपका हक बनता है कि आप उनके आगे मतलब बोलो, उनके आगे अपनी जो बात है वो रखो। पहली बात तो ये कि गलत काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जैसे उन्होंने कहा कि कोर्ट मैरिज कर लेते हैं वो मुझे पसंद नहीं, तो मुझे भी पसंद नहीं है वो, क्योंकि पहले बात तो ये है कि आप अपने पेरेंट्स को मनाओ, वो क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि और दोनों ही गलत होते हैं, दोनों को मानना चाहिए। अगर पेरेंट्स नहीं मानते तो फिर ज्यादा अगर ज्यादा करते हैं मतलब जैसे नहीं मानते हैं, हमने एक बार दो बार तीन बार बोल लिया वो नहीं मान रहे, फिर बंदे को उनकी उनके अकॉर्डिंग जो होता है वो कर लेना चाहिए, क्योंकि माँ बाप ही हैं जो हमें मतलब यहाँ तक लेके आए हैं, जिन्होंने हमें इतना बड़ा किया है और आज हम जाके उनकी बात को मतलब मना कर रहे हैं, सो ये चीज ठीक नहीं होती है। बस ये है कि अगर आपको अपना हक रखने का अपनी बात रखने का हक है तो वो जरूर रखो, अगर वो नहीं मानते हैं तो वो बात अलग है, लेकिन अपना जो है बोलना चाहिए, सभी को बोलना चाहिए कि हमारी ऐसी ऐसी बात ये वो, बाकी मैं बहुत छोटी हूँ उन सब चीज़ों में, मुझे इतना पता भी नहीं है, लेकिन जितना पता है वो मैंने आपको बता दिया। सो पेरेंट्स के कहते ना अगेंस्ट कभी नहीं जाना चाहिए, हमेशा उनकी बात माननी चाहिए, जो वो कहते हैं वो करना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स कोई भी बेवकूफ नहीं होते, वो आजकल तो वैसे भी बहुत समझदार तो पहले, लेकिन आजकल बहुत टाइम के साथ चेंज हो गया, सभी समझते हैं आजकल की कंडीशंस, तो इसमें क्या ही कहें। एंड मतलब इनके बयान मुझे मतलब सही लगे, लेकिन एक पॉइंट पे मैं एग्री नहीं करी, जब उन्होंने कहा कि अगर जबरदस्ती करते हैं तो मान जाओ, हाँ मान जाओ, जब अगर आपको अपनी बात नहीं रखनी है तो फिर आपको ज्यादा अगर वो करते हैं तो मान जाओ, जरूर मान जाओ, लेकिन अपनी बात भी रखो एक बार, लेकिन अगर ज्यादा करते तो बिल्कुल मानो उस बात को, क्योंकि पेरेंट्स के अलावा इस दुनिया में आपका सगा कोई नहीं होता और ना ही कभी कोई होगा। सो ये था बयान जो कि आप पसंद की शादी पे, होप्सो कि आपको जो आए होगी पसंद वीडियो, तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें गाइस, और इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फॉलो मुझे आप चेक जरूर कर सकते हो और कर भी लो जाके, एंड ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो आज के लिए बस इतना ही, एंड अपनी रिक्वेस्ट मुझे आप लोग बता देना कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसी कौन सी वीडियो चाहिए, मैं जरूर कोशिश करूंगी आपकी वीडियो लाने के लिए। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट सेशन वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, सेफ रहें, और बाय बाय।